नमस्कार दोस्तों, ECS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। UP TGT PGT हिस्ट्री का मॉक टेस्ट चल रहा है और यह मॉक टेस्ट संख्या 11 है। दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। TGT PGT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइएगा, सारा वीडियो देखिएगा। हिस्ट्री PGT और TGT सोशल साइंस में अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका UP TGT PGT हो, KVS TGT PGT हो, NVS TGT PGT हो या DSSB TGT PGT हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों हिस्ट्री के लिए। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है TGT PGT हिस्ट्री की, आप जाइए और सारे वीडियो को फॉलो करिएगा, सभी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक और सूचना आप लोग को देनी है कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन जो TGT PGT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन की PDF TGT PGT हिस्ट्री की आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रामबाण PDF है दोस्तों TGT PGT हिस्ट्री के लिए। तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, KBS, NBS, DSSB, UP, बिहार, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा दोस्तों। और यह 5500 वाले क्वेश्चन की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरुआत करते हैं, यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था सैन फ्रांसिस्को, यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो विकल्प डी। और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। प्रश्न 107 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होता है। बिमलचंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न 108 देखिएगा, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, किस पुस्तक का संबंध है? आनंदमठ से, आनंदमठ विकल्प बी। प्रश्न 109 देखिएगा, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग लिया था कब? 1893 में, 1893 शिकागो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वहाँ इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो विकल्प सी जो है वो सही है आपका दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रतिदिन 11 बजे दिन में और रात में 9:30 पर टेस्ट सीरीज मिलती रहती है TGT PGT हिस्ट्री की, तो आप लोग फॉलो करते रहिए, ऑल इंडिया TGT PGT हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है दोस्तों। प्रश्न 110 देखिएगा, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपके रास बिहारी बोस, विकल्प डी जो है वो सही आपका। प्रश्न 111, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो वो है संबंधित भगत सिंह से, विकल्प सी। 112 देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, ये समाप्त किया गया था 1882 में रिपन के काल में, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, लॉर्ड रिपन। प्रश्न 113 देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? यह 1930 में आयोजित हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल सही है, 7 नवंबर 1930 को आयोजित हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी सही है आपका। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, यह भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि ने प्रतिभाग लिया था, यह सही नहीं है आपका। कांग्रेस प्रतिनिधि ने इसमें प्रतिभाग नहीं लिया था बल्कि बहिष्कार किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। प्रश्न नंबर 114 देखिएगा, हर सीरीज में दोस्तों 15 प्रश्न आपको मिलेंगे, 15 प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, तो कब प्रभावी हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो वो हुआ था 18 जुलाई 1947 से, 18 जुलाई 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 115 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन प्रथम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो श्री राजगोपालाचारी तो बिल्कुल थे, शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन संबंधित नहीं थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे यह भी संबंधित थे, तो कौन संबंधित नहीं थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में संबंधित नहीं थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालक्रमानुसार संबद्ध
करना है तो देखिए क्रमबद्ध करते हैं। होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था, चंपारण 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी 1919 में हुआ था। लेकिन जलियांवाला बाग कांड जो होता है अप्रैल में होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन होता है दिसंबर में होता है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। प्रश्न 117 देखिएगा, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न 118 देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था, सर मोहम्मद इकबाल इसने ही दिया था, विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 119 देखिएगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, विकल्प बी जो है वो सही है आपका। प्रश्न 120 देखिएगा, किसने कहा था दुरु दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसने कहा था, तो वाजिद अली शाह ने कहा था, वाजिद अली शाह ने, विकल्प डी, ध्यान रखिएगा आप लोग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने कहा था, तो रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, लेकिन यह जो वाक्य था यह वाजिद अली शाह का था। प्रश्न 121 देखिएगा, नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रमानुसार पता करें, तो इसमें प्रश्न का नाम ही नहीं है, प्रश्न है या नहीं है तो छोड़िए, प्रश्न थोड़ा सा गलत है। प्रश्न 122 देखिएगा, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे, गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या थे, सत्य और अहिंसा, विकल्प बी सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। प्रश्न 123 देखिएगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, बहिष्कृत भारत पत्रिका यह जो आया था, बहिष्कृत भारत पत्रिका जो आया था 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निकाला था, और बहिष्कृत हितकारी सभा जो भीमराव अम्बेडकर की थी वह 1924 की थी, और बहिष्कृत भारत जो पत्रिका थी वह 1927 में आया था। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 124 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो वह थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी, विकल्प सी। प्रश्न 125 देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946, विकल्प बी जो है वापस सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और 5500 क्वेश्चन की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं TGT हिस्ट्री के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी या किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोग को।